निर्देशक करण भलानी की यह एक फिल्म है कनिका कपूर भूमि पेडनेकर पर आधारित है, जो एक 32 वर्षीय महिला है जो अभी एक ऐसे पुरुष की तलाश में है जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। एक भी न मिलने पर वह स्वयं को दोषपूर्ण वस्तु के रूप में दोषी मानती है। कनिका एक सफल लेकिन सामान्य लड़के से शादी करने का फैसला करती है। क्या आखिर तक उसे अपना राजकुमार मिल जाएगा जो उसे अपने पैरों पर खड़ा कर देगा और उसके सुखों को संतुष्ट करेगा? क्या आखिरकार उसे अपना राजकुमार मिल जाएगा जो उसे अपने पैरों पर खड़ा कर देगा और सुखों को संतुष्ट करेगा? जैसे जैसे कहानी सामने आती है वह अपने रो का सगाई से पहले समारोह के एक कार्यक्रम के दौरान अधिक भ्रम का सामना करती है, जिससे उसे सवाल उठता है कि सही कौन है, उसके पूर्व प्रेमी या मंगेतर में से एक। राधिका आनंद और प्रशस्त सिंह की यह कहानी सिर्फ एक कॉमेडी से कहीं ज्यादा है। यह साथियों के दबाव जैसे मुद्दों को संबोधित करता है और महिलाओं को शांत बनना चाहिए, एक ऐसा विषय जिस पर हमारे समाज में शायद ही कभी चर्चा होती है, यहाँ तक कि बंद दरवाजे के पीछे भी। और यह अति ग्लैमरस और मजेदार होते हुए भी इन संवेदनाशील विषयों को सामने लाता है। कभी कभी जब आप देखते हैं कि लगभग हर कोई कनिका की बेस्टी टीना दास शबानी बेदी की बेटी जैसी किशोरी से लेकर उनके माँ डॉक्टर कपूर नताशा रस्तगी जैसे वरिष्ठ एकल महिलाओं तक अक्सर बेहद स्वतंत्र महिलाओं के रूप में गुजरते हैं तो गुस्सा आता है। फिल्म GST नहीं अपनी मांग भर जैसे मजेदार वन लाइनर्स से भरपूर है और कनिका की व्हील चेयर से लेकर फ्रेम तक उम्र दराज और छोटे लोगों के प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति भी है। उसके BFFS के रूप में डॉली सिंह और शबानी बेदी मजा किया है और भावनात्मक दोषों में भी अच्छे प्रदर्शन करते हैं। कुत्ता कटला शत्रु कुष्ठ मतलब लड़कियों में से एक के रूप में संक्षिप्त भूमिका में भी महान है। अनिल कपूर को कनिका के बहुत बड़े प्रेमी और गुलजार साहब के प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में खुशी की बात। शहनाज गिल ने एक आत्मविश्वासी युवा लड़की के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है जो कि बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करती है एक लड़की को आनंद की तलाश करनी चाहिए। करण और हनीता भांबरी ने एक धमाकेदार साउंड ट्रैक पेश किया है। विशेष रूप से सुनीता राव का पूरी हूँ मैं रिडिक्स जिसमें सुशांत दिवेगीकर शामिल है जिसे शानदार ढंग से फिल्माया गया है। अक्सर अपनी सामग्री में घटिया यह फिल्म महिला सुख के माध्यम से आत्म प्रेम का संदेश देती है। यह कॉमेडी एक मजेदार सफर है और इसकी बोल्ड और हमारे सिनेमा में कम ही देखी जाने वाली थीम के कारण यह देखने लायक